दोस्तों, अगर आपके जीमेल अकाउंट में ओटीपी नहीं आ रहा है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। एक हमारे परम मित्र राजकुमार जी ने पूछा है कि हमारे जीमेल अकाउंट में ओटीपी नहीं आ रहा है तो हम उसे कैसे ठीक करें। तो अगर आपके भी जीमेल अकाउंट में ओटीपी नहीं आ रहा है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। दोस्तों, सबसे पहले हम इस मोबाइल से ऊपर से स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमें यहाँ एक एयरप्लेन मोड मिलता है, कुछ लोग इसे फ्लाइट मोड भी बोलते हैं। किसी मोबाइल से नीचे से स्क्रॉल अप करने के लिए रहता है दोस्तों, तो वो आप कर लें। एक बार इसको आप एयरप्लेन मोड को चालू करें। एयरप्लेन मोड को चालू करने के बाद दोस्तों इसे कुछ सेकंड रहने दें। जैसे कुछ सेकंड रहने के बाद दोस्तों ये इस तरह का इंटरफेस आपको खुलकर दिखाई देने लगे तो एक बार फिर इसको एयरप्लेन मोड को आप कर दें। जैसे टच करेंगे तो एयरप्लेन मोड ऑफ हो जाएगा और आपका ये नेटवर्क चालू हो जाएगा। इसके बाद भी आप ओटीपी भेजकर अपने जीमेल अकाउंट में देख लें कि हमारे जीमेल अकाउंट में ओटीपी आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं आ रहा है दोस्तों तो फिर एक काम और करें। सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग को ओपन करेंगे। जैसे सेटिंग को ओपन करते हैं दोस्तों तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको खुलकर दिखाई देगा। तो हमें दोस्तों यहाँ पर ऐप्स लिखा हुआ है तो हमें इसी में जाना है। कुछ मोबाइल में ऐप मैनेजमेंट के नाम से भी ये रहता है तो हमें यहाँ एक बार क्लिक करेंगे दोस्तों। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ अगला इंटरफेस इस तरह से खुलकर दिखाई देगा। तो हम इसको स्क्रॉल करके दोस्तों जीमेल इसमें ढूंढेंगे कि जीमेल है कहाँ। तो जैसे हम जीमेल को दोस्तों ढूंढते हैं, ढूंढने के बाद दोस्तों हम इसको यहाँ से ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद दोस्तों आप यहाँ सबसे ऊपर यहाँ आप देख पा रहे होंगे फोर्स स्टॉप लिखा है तो आप इसको एक बार फोर्स स्टॉप कर दीजिए और यहाँ से फोर्स स्टॉप को एक बार फिर सेलेक्ट कर दीजिए। जैसे इस पर टच करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलकर दिखाई देगा। इसके बाद दोस्तों आप यहां से बैक जा सकते हैं। बैक जाने के बाद दोस्तों आप एक बार जीमेल आईडी में अपना कुछ ओटीपी भेजकर देख लें। अगर फिर भी नहीं होता दोस्तों तो यहीं सेटिंग से आप फिर एक बार ओपन करेंगे। सेटिंग में ओपन करने के बाद दोस्तों फिर वहीं पर आपको जाना है ऐप्स में, या ऐप मैनेजमेंट के नाम से रहता है तो आप वहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों तो फिर आपको स्क्रॉल करके जीमेल को एक बार फिर उंगली से टच करना है। जैसे टच करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलकर दिखाई देगा। तो दोस्तों यहाँ पर स्टोरेज को ओपन करना है। जैसे स्टोरेज पर ओपन करते हैं दोस्तों तो यहाँ क्लियर कैच पर हम एक बार क्लिक करेंगे। जैसे क्लियर कैच पर क्लिक करते हैं दोस्तों तो कुछ इस तरह का इंटरफेस हो जाता है। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ क्लियर डाटा पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लियर डाटा पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ हमें ओके करना है। जैसे ओके करते हैं दोस्तों तो ये हमारा एक बार से जीमेल अकाउंट रीसेट हो जाता है। और दोस्तों एक बात और है कि अगर मान लीजिए कि आपने ये करने से भी आपका नहीं हो रहा है, ओटीपी आपके जीमेल में नहीं आ रहा है, तो आप प्ले स्टोर पर जाएंगे दोस्तों। प्ले स्टोर पर जाने के बाद दोस्तों यहाँ सर्च बार में जीमेल अकाउंट को सर्च करेंगे। जैसे जीमेल अकाउंट को सर्च करेंगे दोस्तों तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको खुलकर दिखाई देगा। हो सकता है दोस्तों आपका जीमेल अकाउंट अपडेट ना हो, इस कारण से भी ओटीपी नहीं आ रहा होगा, तो आप यहां से इसको अपडेट कर लें। जैसे दोस्तों इसको अपडेट करेंगे, अपडेट करने के बाद दोस्तों जैसे ही आप ओपन करेंगे कुछ ओटीपी भेजेंगे तो आपको 100% ओटीपी जीमेल में प्राप्त होगा। जैसे दोस्तों आपका अपडेट हो जाता है तो आप यहाँ ओपन पर क्लिक करेंगे। जैसे ओपन पर क्लिक करेंगे तो आप जीमेल आईडी में इंटर हो जाएंगे दोस्तों। तो यहाँ सबसे पहले दोस्तों आपको गॉट इट पर क्लिक करना है। जैसे गॉट इट पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको खुलकर दिखाई देगा। और यहाँ टेक मी टू मेल पर क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक करते हैं दोस्तों तो हमारा अगला पेज कुछ इस तरह से खुलकर दिखाई देता है। अब 100% दोस्तों हमें यहाँ ओटीपी प्राप्त होगा, इसमें किसी भी प्रकार का कोई शक नहीं है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो दोस्तों तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर हमारे चैनल पर आपने पहली बार विजिट किया है तो। धन्यवाद दोस्तों।